केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीनेशन नीति को संशोधित करने और इसे बाजार के लिए खोलने के बाद केवल 9 बड़े प्राइवेट अस्पतालों ने ही कुल निजी अस्पतालों द्वारा खरीदी गई टीकों का 50% खरीद लिया। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और निजी कंपनियों को 1 मई से कुल उत्पादन का 50% सीधा वैक्सीन निर्माताओं से खरीदने की इजाज़त दे दी थी। अन्य 50% केंद्र सरकार खरीदेगी, जिसे 45+ एज ग्रुप के लोगों के लिए वैक्सीनेट करने के लिए राज्यों को दे दिया जाएगा। मई में निजी अस्पतालों ने कुल उत्पादन जो कि 7,94,00,000 था उसमें से 1,20,00,000 खुराकें खरीदी, जिसमें से 60.57 लाख खुराकें बस 9 बड़े निजी अस्पतालों ने खरीदी। इन 9 बड़े अस्पतालों में अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, HN रिलायंस, मेडिका हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, गोदरेज मेमोरियल, मणिपाल हेल्थ, टेक्नो इंडिया और नारायण हृदयालय शामिल है। बाकी 50% अन्य अलग अलग 300 अस्पतालों द्वारा खरीदा गया। इसमें से अधिकतर अस्पताल वे हैं जो या तो बड़े नगरों में या फिर महानगरों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और उन 9 अस्पतालों में से भी ज़्यादातर अस्पताल महानगरों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु या हैदराबाद जैसे शहरों में। बड़े शहरों में भी ये अस्पताल कोविशील्ड के लिए 850 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक और कोवैक्सीन के लिए लगभग 1,200 रुपये प्रति डोज चार्ज ले रहे हैं, जो कि शहरों में रहने वाले एक बड़े तबके जिसमें मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोग आते हैं उनकी पहुंच से बाहर है। हालांकि देश में लोगों की एक बड़ी संख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कोरोना महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य में, जहां पर अधिकतर जनसंख्या गाँवों में रहती है, स्वास्थ्य सुविधाएँ ध्वस्त हो चुकी हैं। ये यूपी की बात की जा रही है। यूपी ने जीनोम स्टडीज़ में केवल 22 सैंपल दिए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित लोग मिले। 81.8% संक्रमण के साथ यूपी देश का सर्वाधिक डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण राज्य बन चुका है। डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस का ही एक वेरिएंट है, जो कि तेज़ी से संक्रमित करता है और इसकी मृत्यु दर भी बहुत अधिक है। ऐसे में यदि वैक्सीन की आवंटन की प्राथमिकता महानगरों में रहने वाले धनी वर्ग के लोगों को दी जाएगी, तो देश को महामारी से किस तरह बचाया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में गरीब तबका महामारी से बुरी तरह जूझ रहा है, ऐसे में वैक्सीन की पहुंच ग्रामीण स्तर पर हो ही नहीं पा रही है। केंद्र सरकारों को इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। सवाल यही है कि सरकार कब ऐसी वैक्सीनेशन नीति बना पाएगी जब वैक्सीनेशन को लेकर अमीर और गरीब में फ़र्क बहुत कम हो जाएगा और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों को भी वैक्सीन और सही इलाज समय पर मिल पाएगा।